सुबह से जैसी मेरी जानकारी है 9-10 बजे से लोग यहाँ पर आ गए, 11 बजे तक 12 बजे तक तो उनका खून भी सूखा होगा। हमने इतने पसीने बहाए और फिर भी इंद्रजीत सिंह पीछे। तो ये पहले आपको सभी को मालूम चल गया कि शुरू में मेवात और नू का एरिया पहले गिनती में आया, उनके यहाँ फटाफट गिनती होने लग रही थी और हमारी बहुत स्लो थी, कुछ हमारे लिए लोग जागे, क्या वजह थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन 3-4-5 राउंड मेवात से गुड़गांवा रेवाड़ी के अंदर पीछे चल रहे थे। पिछड़ के भी बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। इलेक्शन नहीं होते तो हो सकता है कि कुछ और भी हो जाता है। तो हमें आज के दिन में के सुनने आके बोलने थे पर ये की अगर नंबर आ गया मैं यूं कह रहा हूं, मैं यूं कह रहा हूं, सुन तो ले यार मेरी बात सुन ले यार, मैं यूं कह रहा हूं कि अब हरियाणा के इलेक्शन के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। भाई जो हमारे से रूस गया तुमको पता चल जाएगा एक दिन में, दो दिन में, गांव में तो तुमको पता ही चल रहा है। ये हमारे को दक्षिणी हरियाणा के मार्फती सत्तासीन होना है, नहीं तो नहीं होगी। और हमको समझ में आकर के रखना, अपनी ताकत कायम रखनी है। इस चीज के लिए आज के दिन आपके बीच के अंदर आकर के ये संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो जाए और आरती को मैं लड़ाऊंगा। मैं भी कह चुका हूं, मेरे से पूछे बिना कहती पहले तो अब मैं कह रहा हूं इसको हम लड़ाएंगे, इसको बिना बिलाइट करें नहीं। हमारे को इस चीज का ये है थोड़ा सा मलाल समझ लो कि हमने दो बार हरियाणा के अंदर सरकारें बनाई और हरियाणा की सरकार बने पीछे गुड़गांव के अंदर जो मेरे को नुकसान उठाया कि आज बिजली नहीं आ रही, आज कूड़ा नहीं उठाया गया, आज ये नहीं हुआ, आज मतलब सूरज बंद है। भाई ये सरकार हमारी 10 साल चल करके ये हमारे गुड़गांव में ही होना था, सूरज नहीं उठा, गुड़गांव में ही होना था, क्योंकि बिजली सरप्लस है। अगर बिजली सरप्लस है तो ये 10-10 घंटे क्यों कटा हुई इलेक्शन के दौरान क्यों हुआ और गुड़गांव में क्यों, मुझे औरों का पता नहीं गुड़गांव में क्यों, रेवाड़ी में क्यों, गुड़गांव में लोकसभा में क्यों, ये सवाल पूछे जाएंगे। और अब मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ मोटे मोटे तौर के कि भाई पार्टी के डिसिप्लिन में मैं रहा, पार्टी के डिसिप्लिन में आरती रही। हमने चाह के नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुमने बनाया, हमने बनाया, अभी भी आज के दिन देश की जनता ने बनाया, नरेंद्र भाई मोदी बन गया। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन बन गया? सवाल अब हमारे सामने आएगा तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट लड़ने की कोशिश करेंगे। मैं बावल से 23,000 वोट से जीत करके लड़ाई नहीं लड़ सकता। मैं रेवाड़ी से 38,000 वोट से जीत करके लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये पटौदी से 40,000 जीत करके मैं नहीं लड़ सकता। ये चारों हल्के से 10-10, 15-15 हजार लड़ करके झटके नांगल चौधरी से लेकर के महेंद्र तक अगर हमारी जीत हुई है हल्के में, कितने की हुई है? थोड़े बहुत 15-20 हजार। यहाँ तो अब सिर्फ दो ही कैंडिडेट थे आमने सामने, कांग्रेस था और इंडिया था ना, ये जिन इंडिया था। आने वाले से भी तो चार जगह बैठेगी, चार जगह तो हमारा सारा इकट्ठा रहा तो बात बढ़ जाएगी, नहीं तो फिर ये सोचने की बात है। बाद में बात करूंगा, आज तो मैं आपका दिल से आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ना केवल बुजुर्ग बल्कि नौजवान लोगों ने जो पसीना बहाया है मेरे लिए बहाया है, मेरे साथ आरती ने जो बहाया है मैं आरती के लिए बहाया है, आपका मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
था यार मेरा भी और तुम्हारा भी। लेकिन इतिहास अगर देखोगे कि पिछली बार भी हम विवाद से आखिरी दम तक हार रहे थे, और लोग जो ये पत्रकार गण हैं, ये टीवी वाले गण हैं, ये मेवात की ही सारी चीज दिखा करके और यूं कह रहे थे 4 बजे तक शाम तक 5 बजे तक शाम तक कि इंद्रजीत सिंह हार रहा है, इंद्रजीत सिंह हार रहा है, इंद्रजीत सिंह हार रहा है। इस बार भी वही बात दोहराई गई लेकिन थोड़ी कम तादाद के अंदर, और हमारे 1 बजे करीब, 1 बजे अभी मैं भी देख ही रहा था यार, तुम भी देख रहे थे तो अपने में रख लो। तो जो मेरे को उम्मीद थी मेवात से, 2 बार मैंने मेवात में वोट मांगी और मेरे को उम्मीद के ऊपर पानी फेर दिया। इस बार भी मैंने मेवात के अंदर वोट मांगी, इस बार भी पानी फेर गया, और इस बार भी हमारे को 2.5 लाख से मेवात से हार का मुंह देख करके और गुड़गांव की तरफ आना पड़ा। 2 हल्के बादशाहपुर और गुड़गांव तकरीबन तकरीबन, और सोने का भी चल ही रहा है, मुझे नहीं मालूम वहां पर क्या होगा, क्योंकि 8, 7, 5 मेरे ख्याल से अभी काउंटिंग के राउंड अभी बकाया है। लेकिन जो पिछले दिनों के अंदर पिछले घंटे में मुझे इतला लगी थी उसके अंदर 30,000 के करीब से हम सोना से आगे थे, लेकिन अब घटेगा क्योंकि 5-7 जो ऐसे एरिया है वो शायद हमारे पक्ष के अंदर वोट नहीं जाएंगे। बाकी रहा पटौदी, पटौदी, बावल और रिवाड़ी, ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जहां से मुझे ये उम्मीद थी कि कम अज कम बराबर तो रहेंगे, पिछले 5 साल की जो नफरी थी उसके बराबर तो रहेंगे, लेकिन कई समुदाय ऐसे थे जो किस वजह से हमारी भारतीय पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हमारे से अलग हो गए। डॉक्टर साहब आपको पता होगा, डॉक्टर साहब की बात नहीं है, सारे ऐसा हुआ, कोई इनकी अकेले की बात नहीं है। और फिर भी देखो भारतीय जनता पार्टी वाले जो वर्कर्स थे वो गुड़गांव थे, शहर के अंदर सीमित रहे, बादशाहपुर के अंदर सीमित रहे, लेकिन गांव के अंदर खास तौर के ऊपर जो मेरे वर्कर थे ना वो ही काम किए इसके अंदर। हमारे खुद के वर्कर नहीं होते, देहात के अंदर हमारे पास 3-4 लाख खुद की नहीं होती तो ये इलेक्शन में हार गया था। ये अगर जीता हूं मेरे साथियों के बलबूते के ऊपर जीता हूं, और आज स्टेज के ऊपर पार्लियामेंट में कहने को तैयार हूं कि आज के दिन देहात के अंदर जो मेरे को जिताया है मेरे वर्करों ने जीता है। अगर मेरे वर्कर इतने नहीं होते तो मेरे को टिकट भी नहीं मिलती, ये भी मान लो तुम ये देख करके। और सुनो ये हम अपना ये देहात का एरिया इसकी बात ही नहीं कर रहे, हमारे यहाँ पर इन्फ्लुएंस उलट था, हरियाणा के अंदर सब जगह देख लो देहात के अंदर इन्फ्लुएंस उलट था हमारी, इसीलिए भीड़ भी देहात के अंदर घटी, पहले की नस्बत घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, पर 2-4 समुदाय ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत तितर बितर हमारी वोटें हो गई। तो शहर के अंदर बीजेपी वालों ने बात करा होगा, बीजेपी के नाते करा होगा, हमारे यहाँ देहात के अंदर किया। लेकिन जो कमाल की बात है, कमाल की बात यह है कि धर्मवीर हमारे बगल वाले हल्के के अंदर 4 हल्के पड़ते हैं हमारे, और सारे के सारे हार रहे थे, और मेरे जाने के बाद जब वोटिंग पड़ी तो आज परिणाम हुआ, सारे चार के चार हल्कों के अंदर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर जीत करके निकले।
कोई ही ऐसा होगा, मुख्यमंत्री की कोई ही ऐसा होगा, कोई ही ऐसा होगा कि धर्मवीर के खुद के बिरादरी के लोगों ने तो वोट नहीं दी, उन्होंने तो पोल काट दी, और हमारे लोगों ने दूसरी बार जिताया है। तो भाई संगठन दिखाई दे रहा है, मुआवजा दिखाया है, इसमें कोई जो। और जहां आज के दिन देखो लोकसभा का चुनाव सब कहते 400 बार, और मेरे से ये पूछे थे टीवी वाले, और मैं कहते हुए जो भगवान भरोसे होगा वो होगा भैया, मेरे से मैं झूठ कैसे बोल दूं कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि 400 पार जाएंगे। नहीं, सही बात है। अब आज के दिन हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मिली जुली सरकार बन रही है, पहले ऐसी सरकार नहीं बन रही। क्या होगा मेरा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं कहता हूं कि अच्छा जरूर होगा, क्योंकि आगे हरियाणा के इलेक्शन। देखो मेरी जीत हो रही है, लेकिन पिछली बार जो मेरी जीत हुई थी उससे कम हो रही है, और ये सिर्फ मेरे यहाँ गुड़गांव की बात नहीं हो रही है। हरियाणा में हम 10 सीट जीते थे, इस वक्त हम 5 या 6 सीट ही जीत पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर। एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 5 के करीब हमारे को अंदाजा है कि इस वक्त जीत रहे हैं। उसमें कोई शक की बात नहीं है, इस बार फिर से मोदी सरकार बनेगी, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और पूरे 5 साल चलेगी। जो हमारा लक्ष्य था वो आज के दिन जनता ने फिर भी पूरा करवा दिया है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। देखो कुछ लोग हमारे से रुष्ट हो गए, ये बात नजर आ रही है, उनको मनाने की कोशिश करेंगे विधानसभा के अंदर, लेकिन ये बात याद रहो कि जो मेरी विधानसभाएं हैं उसमें किसी से भी मेरी हार नहीं। झगड़ा बंद कर दो भाई। बड़ा संदेश आपने दिया है अभी भाषण के दौरान, विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहेंगे, क्या पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या सीएम के लिए पूरा लड़ाई लड़ेंगे चुनाव जाना? देखो हमारे को हर दक्षिणी हरियाणा को अपना हिस्सा राज्य के अंदर मिले, इस चीज की हम मंशा रखते हैं और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इन 5 साल के अंदर जितना हमारा हिस्सा होना चाहिए था या जितना हमारे तरफ उनका रुझान होना चाहिए था वो मेरे को नजर नहीं आया, तो इन आने वाले समय के अंदर उस चीज के लिए बंदोबस्त करेंगे। थैंक यू। बड़ी घोषणा आरती राव जी को लेकर भी की है आपने, भाजपा से टिकट नहीं मिल पाई, क्या स्टेप रहेगा? वो समय देखेंगे, लेकिन इलेक्शन लड़ती लड़ेगी।